आपने कितना क्यूट फ्रॉक पहना है, सबको दिखा तो दो, सबको दिखा तो दो, हेलो तो कर लो, हेलो तो। हुरैन का जो कपड़ों का साइज है वो अब चेंज हो चुका है, अब हुरैन 3 to 6 month वाले कपड़े वेयर कर रही है, अभी से नहीं लास्ट मंथ से ही, लेकिन अभी जो फ्रॉक है थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी आ जाती है कई बार, क्या करें, अब थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना मासीज पुपीज। इशारा मेरा कलेक्ट अदाब नमस्ते लवली पीपल। और मैंने आपको कहा था कल वाले व्लॉग में कि मैं यहीं से जो है नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ज्वेलरी लिया। तो एक्चुअली कल रात में लकी बहुत लेट आया और मैं बिजी हो गई उसके बाद और मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अभी हम निकल रहे हैं बाहर। उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि कल मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो मैं लेकर आई हूँ, एक्चुअली मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हुरैन को जब से हुरैन हुई है काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले, तो गोल्ड के अलावा जो बच्चे हाथ के पहनते हैं ना, हाथों में चांदी के कड़े, वो इतने बड़े साइज़ के और मोटे मोटे आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हुरैन को वो अभी तक नहीं आ रहे, मतलब वो ज़्यादा बड़े हैं। तो मुझे ना छोटे छोटे लेना था और ऐसे लेना था प्लेन सिंपल से पतले से कि वो उसे बिल्कुल से पहन के रख सके, क्योंकि अभी हम सब बाहर जा रहे हैं मतलब आउट ऑफ निकलेंगे, तो उस हिसाब से भी मुझे चाहिए थे कि ट्रैवलिंग में भी उसको प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने वो लिए। और उसके अलावा मैंने लेना नहीं था बट मुझे एक रजवाड़ा कड़ा जो आता है ना, रजवाड़ा स्टाइल, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। डीपी ज्वेलर्स वालों का ना जो नक्काशी है, जो काम है, उनकी बनावट है बहुत अच्छी है, मोस्टली दुबई स्टाइल जो डिज़ाइन है वो है वहाँ पे, लेकिन जो कड़ा है वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हुरैन का। सबसे पहले तो हुरैन के लिए जो है मैंने लिए हैं ये वाले, एकदम छोटे से और बिल्कुल ही पतले से। देखो ये इसकी इतनी अच्छी बात है कि ये साइज उसको अभी आ जाएगा, यहाँ से ये ओपन भी मतलब हो जाता है और इसकी आप इसको टाइट भी कर सकते हो, तो ये अभी से पहनेगी और थोड़ा बड़े होने तक इसे पहन सकती है। इतने हल्के जो है हुरैन के पास नहीं थे, बहुत ही बड़े बड़े हैं, और जो हुरैन को मिले थे अभी तक के गिफ्ट्स वो ये वाले थे, मतलब ये मोटे मोटे ये वाले हैं ऐसे, और ये बहुत बड़े हैं। ये तो ओपन होते हैं ऐसे, लेकिन हुरैन को अभी ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब मेरा ख्याल है कि वो एक साल की होएगी जब तक आने स्टार्ट होंगे, और एक साल तक बच्चा फिर जो है इसको वेयर करता नहीं तो फिर ये काम नहीं आते। और ये वाले भी थे ऐसे वाले, ये भी बड़े हैं, है बहुत नाजुक प्यारे से लेकिन बड़े हैं। और भी दो है जो कि ऊपर रखे हुए हैं, सो मैंने जो है इस बार ये सिंपल वाले ले आए। और मैं आपको ना हुरैन का दिखाई देती हूँ थोड़ा बहुत गोल्ड मैं लेकर आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था अम्मी आए हुए थे और हमने जो है अम्मी ने जो सगन दिया था उसमें लकी ने और पैसे डलवा के हमने हुरैन को ये वाले कड़े जो है बनवा दिए थे। ये जो कड़े हैं ना, ये बहुत मतलब सॉलिड तो है ही, प्लस इसमें देखो ये पूरे एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब लॉक है कि ये पूरे छोटे से भी हो जाते हैं और यहाँ से ऐसे खींचते रहो तो बहुत बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं, ये देखो ऐसे तो बड़े बड़े हो जाते हैं। और हुरैन इसे कम से कम 2 से 3 साल तक वेयर कर सकती है, तो ये मुझे इसलिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एग्जस्ट होने वाले कड़े बच्चा अभी से पहन सकता है। और ये हुरैन अभी नहीं, जब वो 1.25 महीने की भी नहीं हुई थी तब से, 1.25 महीने की होगी थी क्योंकि छिल्ले के टाइम पर हमने लिए थे, तो उस टाइम पर हुरैन तब से इसको वेयर करती है और 3, 3.5, 4 साल तक इनशाला जो है वो इसको वेयर कर सकती है। ये देखो बड़ा छोटा और बड़ा होता है, मतलब ये पूरा 0 पे आ जाता है और एकदम बड़ा साइज़ हो जाता है। तो उन्होंने तो बोला था कि वो जितनी मतलब बच्चे का हाथ होता है पूरा ओपन होने तक जब तक जाए तब तक जा सकता है, तो मुझे लगता है बच्चों के हमने गोल्ड के अगर ले रहे हैं तो ऐसे ही वाले डिजाइन्स लेने चाहिए। मैनेजर सर है उधर है, हेलो करो सारे, हेलो करो ना सारे, आता हूँ। सो ये हुरैन के कड़े हो गए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ हुरैन का छोटा छोटा गोल्ड। तो हुरैन को बहुत सारा गिफ्ट आया था, एक हुरैन को आया था ये वाली चेन गिफ्ट, बहुत ही प्रिटी है ये चैन, इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारी है, सिंपल है, इसमें पेंडेंट आ जाता है। तो ये वाली एक चैन आई थी और मम्मा के घर से ये वाली चैन हुरैन को आई थी, ये वाली, तो ये मम्मा हाउस की है। और अल्तमश की भी कुछ इससे मिलती जुलती है बट थोड़ी सी अलग है अल्तमश की। तो ये मेरी भाभी के घर से आई हुई चैन है, मतलब साइज़ ना छोटा है ना बहुत बड़ा, बट बहुत प्यारी है।
और एक चैन है जो हमने बनवाई थी हुरैन की। ये वाली तो ये जो थी लकी ने बनवाई थी, लेकिन मैंने डिज़ाइन ऐसा लिया कि बच्चे तो पहनते नहीं गोल्ड, तो चलो मेरे काम आ जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन आप मुझे बोलते हो ना कि बहुत प्यारा है, बहुत प्रिटी है, ये भी हुरैन का ही है। तो ये वाली चैन हुरैन के छिल्ले पे लकी की तरफ से थी पूरी पूरी। तो ये तीन चैन और एक चैन है यार हुरैन की। अच्छा हाँ, वो पर है, वो भी गिफ्ट है, वो थोड़ी सी नाजुक है। एक वो और हुरैन को एक बहुत प्रिटी पेंडेंट भी आया था जो मैंने पहना था प्लेन वाली चैन में डाल के, ये वाला। इस पर देखो बहुत ब्यूटीफुल सा अल्लाह लिखा हुआ है। तो पता है वो 2 रुपीज़ का कॉइन आता है ना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एक ये वाला पेंडेंट है और एक और है, दो और है। आजो हेलो करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। ये साइन करो मैडम आप आरटीजीएस फॉर्म पे। एक सेकंड दिखा रही हूं। मैं कंपनी में कितने परसेंट की पार्टनर 51-52 यार, तुम मेरे को 51 का कर दो, नहीं तो मेरे से ज्यादा कर दो। ऐसा बोल बोल के मेरी किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट 911 करवा लो। पढ़ना नहीं आता है, मजाक कर रही हूँ। सो हाँ, मैं आपको दिखा रही थी पेंडेंट। एक तो अल्लाह वाला आया हुरैन को, है ना, एक ये आया बहुत, ये तो मुझे इतना प्यारा लगता है। ये लकी के एक फ्रेंड है, उनकी फैमिली लेकर आई थी ये वाला डिज़ाइन कैप्चर। इसका डिज़ाइन मेरे को इतना अच्छा लगा, ये देखो ऐसा है। और पता है ये उन्होंने कैसा लाया था, काला धागा आता है बहुत प्यारा धागा, उस पर दूर दूर मोती थे और ये था। लेकिन हमने हुरैन को जो एक बार ये चैन में डाल के पहनाया था तो हमने उसमें से निकाल लिया, तो वो धागा रखा है मेरे पास, तो ये उसमें उन्होंने गिफ्ट किया, बहुत अच्छा लगता है। और एक ये पेंडेंट है और इसके साथ टॉप्स आए थे, दूसरा वाला टॉप्स है। ये हार्ट पेंडेंट है बहुत ब्यूटीफुल, और ये टॉप्स से दो ऐसे वाले कानों के, तो ये भी चैन में डाल के वो वेयर कर सकती हैं, जैसे से बड़ी होंगी जब तब के हिसाब से। एक और पेंडेंट है जो, तो इतने पेंडेंट आए हुरैन को, एक और पेंडेंट है। मैंने एक्चुअली पता है कि जैसे कभी हुरैन को पहनाया वो अलग रख दिया, कुछ मेरे इसमें रखा हुआ है ऐसे करके रख दिए। कोई ना, मैं भी सब एक जगह कर लूँगी। तो हुरैन की ये चैन है, पेंडेंट्स हैं, हाथों के कड़े हैं, और ये जो मेरी फ्रेंड आई थी उनके लिए पैरों की एंकलेट लेके आई घुंघरू वाली। लेकिन मेरा ख्याल है 1 साल की होगी हुरैन जब ये उनको आएगी पैरों में। ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्रिटी हैं ये भी। तो मैंने तो बस कल ये लाया था प्यारा सा, और इसके अलावा एक चैन जो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये तो हुरैन का हो गया नॉर्मल सा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कि मैंने कल क्या लिया। तो मैंने जो रजवाड़ा स्टाइल कड़ा था वो लिया, और मैंने, बुरी बात हो गई, दो नहीं लिए, ये एक ही लिया है, क्योंकि ना समझ के होंगे। तो ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है देखो, और ना इसमें यहाँ पे पेच है, तो ये ओपन हो जाते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ से पेच है तो ये ओपन भी हो जाते हैं। इसमें साइजेस भी थे, इसमें डिज़ाइंस इतने प्यारे प्यारे थे, जो मीनने लगे होते हैं ना, ग्रीन, रेडिश, और इवन अभी गोल्ड में जो कुंदन वगैरह भी लगे होते हैं अच्छे वाले, वो लगे हुए थे। बट मुझे वैसे वाली ज्वेलरी थोड़ी सी ना, पता नहीं क्यों, दिल को वो तसल्ली नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं शौकीन हूँ कि पूरे एक गोल्ड का जो डिज़ाइन आता है नक्काशीदार, वैसा कुछ लूँ। तो मैंने ये लिया, ये है 32 ग्राम्स का, मतलब 3 तोले से थोड़ा ज़्यादा, और इसका मेकिंग के साथ हमें ये पड़ा 162 समथिंग का, ये वाला। तो मैंने ये लिया और बस हुरैन के ये वाले कड़े लिए, और मैं चाह रही थी कि जैसे हुरैन के लिए कुछ थोड़ा बहुत मैं ले लूँ, चैन वगैरह मैं देख रही थी, बट मैंने फिर नहीं लिया क्योंकि फिर मैंने ये ले लिया। तो मैंने सोचा चलो बच्ची के नाम से ही ले रहे हैं, अब कुछ भी है चीज़ तो देखो बन जाती है। गोल्ड ऐसा नहीं होता बच्चे के लिए लेने जा रहे हो तो आपको बच्चे के लिए ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको अपने लिए भी नहीं लेना है तो आप गिन्नी वगैरह बनवा सकते हो। तो मैंने ये बनवा लिया। एक्चुअली क्या है ना, हमारा ये हुआ जब डॉटर्स डे था, जिस दिन डॉटर्स डे और हुरैन का 5th मंथ बर्थडे जो कि 4th को आएगा अभी,
तो हमने क्या सोचा कि हम ना हर जैसे डॉटर्स डे पे या फिर हुरैन के हर जो वन मंथ बर्थडे या वन ईयर जो बर्थडे आया करेगा उसमें हुरैन के नाम से कुछ इन्वेस्ट कर दिया करेंगे। अब आज के टाइम पे अगर हम सोचें तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़मीन का होता है और गोल्ड का होता है, बस मुझे लगता है यही सही है। लेकिन आने वाला वक्त देख कर ऐसा लग रहा है कि ज़मीन से भी ज़्यादा अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो गोल्ड है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी हिसाब से कि वो कितना सेव कर सकता है उसके अकॉर्डिंग एक ग्राम आधा ग्राम थोड़ा सा या फिर सेविंग करते करते जैसे कार्ड्स बन जाते हैं आजकल ज्वेलरी शॉप में, वहाँ पर जाकर आप कार्ड्स बनवाकर बच्चों के लिए बना बना के रख लें सारा कुछ, तो इकट्ठी जो है आपकी चीज़ बन जाती है। और देखो बच्चे बड़े होते वक्त नहीं लगता, जब 8-10 साल होते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि ना 8-10 सालों में आपने थोड़ा थोड़ा ही करके सही लेकिन इतना बना लिया है अपने बच्चों के लिए तो अच्छा लगता है। तो ये हुरैन के फिलहाल कड़े हैं, दो कड़े और हैं उनके, कुछ कड़े तो ऐसे ही जब गिफ्ट आए थे ना उनके, वो स्काई बैग जो था मैंने उसमें रखे थे वो मैंने अभी तक नहीं निकाले, तो वो भी मैं अभी सब एक जगह करती हूँ। अभी तो बस मैं थोड़ा सा बाहर से घूम फिर के आ जाऊँ, उसके बाद तो बस मुझसे कह भी रहे थे कि अभी आपने कहा है यहीं से स्टार्ट करूँगी तो ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करना दिखाना, तो मैंने जो है निकलने से पहले आपको दिखा दिया। आप थोड़ी देर बाद जो है हम निकलेंगे और मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, भाई भाभी के घर जा रही हूँ। तो वो जो व्लॉग है मैं वो फिर से शुरू करूँगी। ये है पूजा, हमारा न्यू फैमिली मेंबर है। बहुत शाय है वो, क्या बोल रहे दीदी? काम तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? मैं करके आऊँ? ये देखो इनसे नहीं हुआ। ये इतने वक्त से काम कर रही है, इनको ये नहीं पता हमारा मोटर का कॉक कैसे घुमाना। और आज हमारे घर बहुत यम्मी कड़ी बन रही है गाइस, पकौड़ियाँ वाली कड़ी बन रही है, पकौड़े बन गए हैं। मैं फटाफट से दिखा देती हूँ, चलो पूजा मैं बताती हूँ। तो बस हुरैन जो है अभी लेटी हुई हैं, वो जैसी उठती हैं मैं उनको फ्रेश करवाऊंगी। फ्रेश वो हो गई है, दाइमा करवा के चली गई, लेकिन बस उनके फिर से जो है कपड़े चेंज करने हैं। जब हुरैन कहीं बाहर जाती है ना तो लकी को नहीं पसंद कि वो फ्रॉक पहने। देखो कितना टाइम हो रहा है इसको, टाइम हो रहा है इसको, ये लग रहा है कि मैडम ना आए और हम लोग निकल जाए तो मेरी छुट्टी हो जाए, बच्चों को बहुत खुशी होती है। तो चलिए ये था आज, तो मैंने आपको हुरैन का कुछ गोल्ड दिखाई दिया, तो हुरैन का गोल्ड कलेक्शन। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना, माशाल्लाह बोलिएगा। और बहुत जल्दी मैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ मिल रही हूँ। माइका सीरीज आप कह रहे थे वो आपको मिलने वाली है, और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप कहेंगे गुड न्यूज़ वो भी बहुत जल्दी दूंगी। सो बस आप दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी दुआ करें कि बस जो लकी का प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द उनके हाथ में आ जाए। हुरैन के, तो चलिए मैं ये छोटा सा ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।